विराट अनुष्का ने 100 करोड़ खर्च कर इटली में की शादी। रणवीर दीपिका ने 77 करोड़ खर्च कर लेक कोमो में लिए 7 फेरे। प्रियंका निक ने करोड़ों खर्च कर जोधपुर में की शाही शादी। कियारा सिड ने राजस्थान में की रॉयल वेडिंग। लेकिन बॉलीवुड में कई सितारे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी शादी में नहीं बहाया पानी की तरह पैसा। इन सितारों ने मंदिर में रचाई शादी और बचा लिया अपने करोड़ों रुपए। आज हम आपको बॉलीवुड की ऐसी ही शादियां दिखाएंगे जिसमें स्टार्स ने मंदिर में लिए 7 फेरे। सबसे पहले बात करते हैं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल की। ईशा 29 जून 2012 को अपने बचपन के प्यार और हीरा व्यापारी भरत तख्तानी के साथ शादी के बंधन में बंधी। इस कपल ने एक साउथ इंडियन ट्रेडिशन में शादी रचाई थी। बिना किसी चकाचौंध के एक कपल मुंबई के जुहू इलाके के इस्कॉन मंदिर में हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। श्रीदेवी और बोनी कपूर। दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी और बोनी कपूर ने भी बड़ी सादगी से शादी की थी। श्रीदेवी से शादी के वक्त बोनी पहले से शादीशुदा थे और दो बच्चों के पिता थे और इसी वजह से बोनी ने 2 जून 1996 को मंदिर में श्रीदेवी से शादी की थी। दिव्या खोसला और भूषण कुमार। टी सीरीज के मालिक होने के बावजूद भूषण कुमार और एक्ट्रेस दिव्या खोसला ने बेहद ही सिंपल तरीके से शादी रचाई थी। 21 साल की उम्र में दिव्या ने भूषण कुमार से शादी की थी। खबरों के मुताबिक इस कपल ने साल 2005 जम्मू में वैष्णो देवी के मंदिर में जाकर शादी की थी। इशिता दत्ता और वत्सल सेठ। जल्द ही पेरेंट्स बनने जा रहे इशिता दत्ता और वत्सल सेठ ने भी लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद चुप तरीके से 28 नवंबर 2017 को इस्कॉन मंदिर में शादी रचा ली थी। इस कपल ने बंगाली रीति रिवाज से शादी की थी। फिलहाल इस कपल के घर जल्द ही एक नन्हे मुन्ने की किलकारी गूंजने वाली है। संजय दत्त और रिया पिल्लई। संजय दत्त ने अपनी दूसरी पत्नी रिया पिल्लई से मंदिर में शादी की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय और रिया पिल्लई पहली बार संजय दत्त के वकील महेश जेठमलानी की ऑफिस में मिले थे, जहां पहली बार देखते ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। दोनों ने साल 1998 में मुंबई के महालक्ष्मी मंदिर में शादी की थी। कविता कौशिक और रौनित बिस्वास। FIR फेम कविता कौशिक ने जनवरी 2017 में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रौनित बिस्वास से शादी की। पिछले कई रिश्तों में दिल टूटने के बाद रौनित कविता के लिए प्यार का दूसरा मौका था। दोनों ने केदारनाथ में आनंदमय शिव पार्वती मंदिर में शादी के बंधन में बनने के बाद अपनी शादी को यादगार बना दिया। शमी कपूर और गीता बाली। बॉलीवुड सुपरस्टार शमी कपूर ने पहली शादी एक्ट्रेस गीता बाली से की थी। गीता और शमी को फिल्म रंगीन रातों की शूटिंग के वक्त एक दूसरे से प्यार हो गया। फिल्म की रिलीज के 4 महीने बाद ही दोनों ने मुंबई के बाढ़ गंगा मंदिर में 7 फेरे ले लिए। ब्यूरो रिपोर्ट E24।